My name is Kaushik and today we will be talking about She Stoops to Conquer by Oliver Goldsmith. In this session we will cover about the author, summary, important characters and themes. So just focus on themes as well because most of people don't consider themes important but to understand a literary piece we need to know about themes in depth. सो लेट्स टॉक अबाउट दर्स्ट ऑथर के बारे में बात करते हैं ऑलिवर गोल्ड स्मिस वॉज एन आयरिश नावलिस्ट ये आपके आयरिश नावलिस्ट हैं प्लेरिट हैं एंड पोइट हैं बिकॉज दीज आर दीज क्वेश्चन आर ऑल्सो आस्ट कि कौन से राइटर किस कंट्री uh, से बिलोंग करते हैं तो आपका ये भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट बन जाता है बॉर्न ऑन टेन नवम्बर सेवेंटीन ट्वेंटी एट एल्फिन आयलैंड डायड इन 4, uh, 4th April 1774, London, United Kingdom, and cause of death was kidney failure. Buried place was Temple Church, City of London, United Kingdom. She stoops to Conquer. She stoops to Conquer was first produced in London in 1773. Yes, 1773 mein first time London may say produce kia gaya tha. aur or coffee buddy success. Thi. It was a massive success. it was reputed to have created an applause that was yet unseen in the london theatre and almost immediately entered the repertory of respectable companies to काफी ये बड़ी सक्सेस रही उस टाइम में within a decade it had travelled both throughout the european continent and to the united state तो ये पूरा यूरोपियन कॉन्टिनेंट और यूनाइटेड स्टेट सभी जगह सभी थिएटर्स में दिखाया गया Finally, the play is often published with a subtitle as She Stoops to Conquer or The Mistakes of a Knight. So, its subtitle was She Stoops to Conquer and Mistakes of a Knight. This sub subtitle was originally its working title but perhaps due to evoking too strongly Shakespeare's A Midnight Summer, Midsummer Night's Dream, Goldsmith retitled the play. तो ये जो प्ले था ये शेक्सपियर के जो मिड समर नाइट्स ड्रीम था इसको काफ़ी वो कर रहा था तो उन्होंने इसे फिर से रिटाइटल किया और मिस्टेक्स ऑफ अ नाइट को उन्होंने मिड समर नाइट्स आ, से क्योंकि मैच कर रहा था इसलिए उन्होंने शी स्टूप्स टू कनक्वायर इसका रिटाइटल इसको कर दिया था अब कैरेक्टर्स जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स हैं वो हैं आपके सर चार्ल्स मालो द फादर ऑफ यंग मालो एंड फ्रेंड ऑफ हार्ड काशल मालो ऑस्टेंसिबली द हीरो ऑफ अ प्ले अ रिस्पेक्टेबल फेलो हु कम्स टू हार्ड काशल होम टू मीट केट हार्ड काशल तो यहाँ पर आपके दो कैरेक्टर हैं ये हीरो ऑफ द प्ले भी था हार्ड काशल कौन है अ पैट्रियर्क ऑफ द हार्ड काशल फैमिली और ये हार्ड कैशल फैमिली का हेड है दर ऑफ द स्टेट वेर द प्ले इज सेट और जो हार्ड काशल है आ, उसी के स्टेट में उसी की जो आ, प्लेस है वहीं पे ये पूरा प्लेस सेट है हेस्टिंग्स फ्रेंड ऑफ मार्लोस एंड लवर ऑफ कॉन्स्टेंस नेवल तो जो ये कॉन्स्टेंस नेवल है इसका लवर है जो उसका नाम है हेस्टिंग और ये मार्लो का फ्रेंड है टॉनी लमकिन के बारे में बात करते हैं सन ऑफ मिसेज हार्ड कार्सल फ्रॉम द अर्लियर मैरिज एंड नोन फॉर हिज फ्री व्हीलिंग वेज ऑफ ड्रिंकिंग एंड टूम वो तो काफी ड्रिंकिंग करता है टॉम लॉमकिन और वो मिसेस हार्ड काशल का फर्स्ट बेटा है डिगोरी जो है डिगोरी हार्ड काशल्स हेड सर्वेंट मिसेस हार्ड काशल के बारे में बात करते हैं मैट्रियाक ऑफ दार्ड काशल फैमिली उसमें जो फर्स्ट लेडी है वहां पर आ, जो मेन है वो है आपकी मिसेस हार्ड एंड मोस्ट नोटेबल फॉर हर प्रोनाउंसड वेनिटी ट हार्ड काशल कॉल्ड मिस हार्ड काशल इन द्ले दिरोइन ऑफ द्ले ये आपकी इस प्ले की लव ऑफ लाइफ कॉन्स्टेंस नेवाइल जो कॉन्स्टेंस नेवाइल है वो है मिस नेवाल भी इसे कहते हैं प्ले में नीस ऑफ द मिसेज हार्ड काशल एंड ऑफनली इनहेरिटेंस इज अ सेट ऑफ जूएल्स इन केयर ऑफ हर आंट मेड अब एक मेड है केट सर्वेंट ये केट्स की सर्वेंट है दुमेन हु टेल्स हर दैट मालो बिलीव्ड केट टू बी बार मेट जो उसी ने बताया था कि मालो uh, जो है हमने पीछे देखा कैरेक्टर मालो वो केट को मर मरमेड मानता है विच लीड्स केट टूवर्ड्स हर प्लान टू स्टूप एंड कंक्वायर landlord landlord of the three pigeons who welcomes marlowe and Hesting and helps tony to play his trick on them jeremy conhey marlowe's drunken servant yemaluka drunken servant hai. his drunken impertinence offends hardcastle which leads hardcastle to order marlowe to leave now we will see the summary hopefully you have noted down all the characters now let's talk about the summary now शी स्टूब्स कंक्वेयर ओपन्स विद अ प्लॉग ये भी एक प्लॉग से शुरू होता है इन विच द एक्टर मोन्स द डेथ ऑफ क्लासिकल लो कॉमेडी एट दी आर्ट ऑफ सेंटिमेंटल मॉकिश कॉमेडी तो मॉकिश कॉमेडी पर आ, एक रोता है वहाँ पर तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अगर एक जो स्टेज है स्टेज में क्या होता है कि एक जो एक्टर है वो क्लासिकल जो लो कॉमेडी है उसकी डेथ पर रो रहा है ही होप्स दैट डॉक्टर गोल्ड स्मिथ कैन रिमेडी दिस प्रॉब्लम थ्रू द प्ले अबाउट टू बी प्रेजेंटेड और जो ये डेथ है ये लो लेवल क्लासिकल कॉमेडी का आ चुका है उसे डॉक्टर जो गोल्ड स्मिथ है वो इसकी रेमेडी कर पाएंगे इस प्ले के द्वारा एक्ट फर्स्ट इज फुल ऑफ सेटअप फॉर द रेस्ट ऑफ द प्ले तो जो एक्ट फर्स्ट है वो फुल ऑफ सेटअप है एंड मिसिस एंड मिसिस हार्ड काशियर लिव इन ओल्ड हाउस दैट रिजेंबल एंड इन तो मिसेस मिस्टर और मिसेस हार्ट कारशिल जो हैं, वो एक हाउस में रहते हैं एक पुराने हाउस में रहते हैं एंड दे आर वेटिंग फॉर द अराइवल ऑफ मालो और वो सभी मालो का वेट कर रहे हैं तो आप सीन क्रिएट कर सकते हैं माइंड में जो जो मालो है वो है आपका सन ऑफ मिस्टर हार्ट काशिल्स ओल्ड फ्रेंड एंड अ पॉसिबल सूटर फॉर हिज डॉटर केट तो उनकी जो डॉटर uh, है वो है आपकी केट और उसका वो एक सूटर भी है केट इज वेरी क्लोज टू हर फादर जो केट है वो अपने फादर के काफी क्लोज uh, है सो मच सो दैट शी ड्रेसिज प्लेनली इन द इवनिंग टू सूट हिज कंजर्वेटिव टेस्ट एंड फैंसीफुल इन द मॉर्निंग फॉर हर फ्रेंड्स तो शाम को वो क्या करती है बहुत ही प्लेनली ड्रेस होती है और शाम को अपने फ्रेंड्स के लिए वो काफ़ी फैंसीफुल ड्रेसेस पहनती है मीन वाइल मिसिज हार्ड काशल्स नीस कॉन्स्टेंस इज इन दी ओल्ड वुमेंस केयर जो मिसिज हार्ड काशल की नीस है उसका नाम है कॉन्स्टेंस कॉन्स्टेंस जो है वो ओल्ड वुमेंस केयर में है एंड हैज़ हर स्मॉल इनहेरिटेंस कंसिस्टिंग सम वैल्यूबल जूल ज्वेल्स हेल्ड अंटिल शी इज़ मैरिड होप फुली टू मिसिस हार्ड काशल्स स्पॉयल्ड सन फ्रॉम आली अलिया मैरिज टॉनी लम्पकिन जो टॉनी लम्पकिन है उससे कॉन्स्टेंस की जो मैरिज है वो प्रपोज है और उसके पास थोड़ा सा अपना जो इनहेरिटेंस है वो उसके उसने संभाल के रखा हुआ है द प्रॉब्लम इज दैट नी द टॉनी नॉर कॉन्स्टेंस लव इज लव द ना तो टॉनी कॉन्स्टेंस को लव करता है ना कॉन्स्टेंस टोनी को लव करती है एंड इनफैक्ट कॉन्स्टेंस हैज़ अ बिलविड और जो कॉन्स्टेंस है उसका एक बिलोविड भी है हु विल बी ट्रेवलिंग टू द हाउस दैट नाइट विद मालो वो मालो के साथ उसी दिन वहाँ पर हाउस में आने वाला है तो अभी तक क्या हो रहा है जो सीन है वो उसमें मालो की इम्पोर्टेंस है कि मालो अभी आने वाला है इसी बात की चारों तरफ जो पूरा प्ले है वो चल रहा है टोनीज प्रॉब्लम इज़ दैट ही इज़ अ ड्रंक एंड अ लवर ऑफ लो लिविंग विच ही शोज वैन द प्ले शिफ्ट टू अ पब नियर बाय तो जो टॉनी है वो एक हैवी ड्रिंक कार्ड है वो बहुत हैवी ड्रिंक करता है और लो लिविंग का लो लिविंग वह पसंद करता है वैन मालो एंड हेस्टिंग्स जो मालो एंड हेस्टिंग वहाँ पर आते हैं हेस्टिंग कौन है हेस्टिंग कॉन्स्टेंस का लवर है बिलोवड है अराइव एट पव Lost on the way of Hardcastle, Tony plays a practical joke by telling the two men that there is no room at the pub and that they can find lodging at the old inn down the road, where is of course Hardcastle's home. तो वो उनसे joke करता है और जो Hardcastle का जो home है उसका मजाक बनाता है कहता है कि वहाँ पर आप लोग जाकर रह सकते हैं वो भी एक क्या है आ, एक inn ही है एक एक hotel ही है जैसा कि हमने पहले देखा था कि उनका जो होम था वो एक इन की तरह है एक होटल की तरह है एक्ट सेकंड सीज अ प्लॉट गेट कॉम्प्लिकेटेड अब जो एक्ट सेकंड है वहाँ से प्लॉट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है व्हेन मालो एंड हेस्टिंग्स अराइव जब मालो और हेस्टिंग वहाँ पहुँचते हैं दे आर इम्पोर्ट एंड रूड विद हार्ड काशल और वो काफी रूड बिहेवियर करते हैं हार्ड काशल के साथ होम दे थिंक इज अ लैंड एंड नॉट अ होस्ट बिकॉज ऑफ टोनिस्ट्रिक अब वो जो टोनी था उन्होंने उसने मजाक में उनसे कहा था कि जो इन है वहाँ पे आप चले जाओ तो उन्हें नहीं पता होता कि ये एक यहाँ का हमारा जो होस्ट है वही है तो वो उसे लैंडलॉर्ड समझकर गलती से मालो और हेस्टिंग उससे मिसबिहेव करते हैं हार्ड काशल मालो टू बी अ पोलाइट यंग मैन एंड इज शॉकड ऐट दिहेवियर दि हार्ड काशियल काफ़ी शॉक होते हैं मालो के बिहेवियर से क्योंकि उन्होंने सोचा होता है मालो एक पोलाइट यंग मैन है कॉन्स्टेंस फाइंड्स हेस्टिंग्स एंड रिवील्स हिम टू दैट टोनी मस्ट हैव प्लेड अ ट्रिक और जो कॉन्स्टेंस है वो हेस्टिंग को पहचान लेती है वहाँ पर और पता चलता है कि वो कहती है कि जो टोनी है उसने जरूर कोई ना कोई मजाक किया होगा हाउ दे डिसाइड टू कीप द ट्रूथ फ्रॉम मालो बिकॉज दे थिंक रिविलिंग इट विल अपसेट हिम एंड रिव द ट्रिक अब वो सोचते हैं कि चलिए इस बात को मान लो मान लो को ना बताया जाए और जो ट्रिप है उसे सक्सेसफुल किया जाए दे डिसाइड दे विल ट्राई टू गेट ह ज्वेल्स एंड एलोट टुगेदर और जो हेस्टिंग है वो सोचता है कि ठीक है जो कॉन्स्टेंस है उसका जो ज्वेल्स हैं जो उसकी ज्वेलरी है उसे लेकर और यहाँ से भागा जाए मालो हैज अजारसी टू स्पीक विद मॉडेस्ट वुमेन वाइल स्पीकिंग इन लाइवली एंड हार्डली टोन ऑफ लो क्लास तो जो मालो की एक टेंडेंसी है कि वो काफ़ी एग्जेजरेटेड बातें करता है मॉडेस्ट वुमेन के बारे में वेन ही हैज हिज फर्स्ट मीटिंग विद केट शी इज ड्रेस्ड वेल एंड इन टू अटिंग स्टूप बिकॉज ऑफ हिस्स इनएबिलिटी टू स्पीक टू मॉडेस्ट वुमेन और वो जो मॉडस्ट वुमेन है उससे बात नहीं कर पाता है लेकिन जब वो केट को देखता है तो वो काफ़ी अच्छे से उसने ड्रेस किया हो ड्रेस पहन के वो आई होती है वहाँ पर और वह उससे बहुत अच्छे से बात नहीं कर पाता है क्योंकि जो मालो है वो हैजिटेट होता है किससे कोई भी अगर मॉडेस्ट वुमेन है बहुत अच्छे से ड्रेस्ड है तो वहाँ पर वो हेजिटेट होता है बात करने से शी इज नवर लेस टू हिम और वो खुद जो केट है वो अट्रैक्ट नहीं होती है उस पर मालों पे एंड डिसाइड्स टू ट्राई एंड ड्रॉ आउट हिज ट्रू कैरेक्टर और खुद वापस अपने कैरेक्टर में आती है टोनी एंड हेस्टिंग डिसाइड टुगेदर दैट टोनी विल स्टील दी ज्वेल्स फॉर हेस्टिंग एंड कॉन्स्टेंट जो टोनी है वो टोनी और हेस्टिंग जो है वो डिसाइड करते हैं कि जो टोनी है वो ज्वेल्स को आ, चोरी करेगा हेस्टिंग एंड कॉन्स्टेंट के लिए सो दैट ही कैन बी रिड ऑफ हिज मदर्स प्रेशर टू मैरी कॉन्स्टेंस whom he doesn't love. तो यहाँ पर प्लान ये होता है कि टोनी को अब छुटकारा चाहिए कॉन्स्टेंस से तो वो कहता है कि मैं हेस्टिंग के लिए और कॉन्स्टेंस को आ, साथ भगाने के लिए ज्वेल्स मैं वहाँ से स्टील कर लूँगा चोरी कर लूँगा एक्ट थर्ड ओपन्स विद हार्ड कासल अब जो एक्ट थर्ड है वो हार्ड काशल और केट जो है ईच कन्फ्यूज विद दी साइड ऑफ मालो दे सो अब दोनों के दोनों मालो जो हार्ड काशल था वो इसलिए कन्फ्यूज है कि उसने जो मालो है वो काफ़ी रूड उसे देखा है और जो केट है उसने मालो को देखा है कि वो काफ़ी हेजिटेट होता है वेयर हार्ड काशल इज शॉक डैट इज़ इम्पोर्ट केट इज डिसअपॉइंटेड टू हैव सीन ओनली मॉडेस्टी और जो केट है उसने सिर्फ मॉडस्टी ही देखा देखी है केट आस्क ह फादर फॉर द चांस टू शो हिम दैट मालो इज़ मोर दैन बोथ बिलीव दोनों के दोनों जो विश्वास करते हैं केट कहती है अपने फादर से रिक्वेस्ट करती है कि वो मालो को एक और चांस दे टोनीज स्टोलन द जूल्स बट कॉन्स्टेंस डजेंट नो एंड कंटिन्यू टू बैग ह आंट फॉर देम अब कॉन्स्टेंस को नहीं पता होता है टोनी क्या करता है कि वो जो ज्वेल्स है उन्हें चोरी कर देता है बट जो कॉन्स्टेंट्स है उसको नहीं पता होता और वो अपनी आंट से उस उस चीज के लिए बात करती रहती है उन मांगती रहती है जो टोनी कन्विंसिस मिसेज हार्ड काशल टू प्रेन देसली शी विलिंगलीसेप्टी दे हैव एक्चुअली बीन स्टोलन और उसे लास्ट में पता चलता है कि ये जो ज्वेल्स हैं वो सचमुच चोरी हो चुके हैं मीन वाइल केट इज़ नाउ ड्रेस्ड इन हर प्लेन ड्रेस एंड इज मिस्टेकन बाय माल हु नेवर लुक्ड हर इन द फेस इन दर अर्लियर मीटिंग इज अ अड टू हुम ही इज अट्रैक्टेड अब जो केट है वो जैसे कि हमें पता था कि वो मॉर्निंग में काफ़ी प्लेन ड्रेस में रहती थी तो प्लेन ड्रेस को देखकर जो मालरो है उससे अट्रैक्टेड हो जाता है शी डिसाइड्स टू प्ले द पार्ट एंड दे हैव अ लाइवली फन कॉन्वर्सेशन दैट एंड्स विद हिम ट्राइंग टू एम्ब्रेस अ मूव मिस्टर काश काशल ऑब्जर्व अब यहाँ पर लास्ट में क्या होता है कि वो उसको गले लगा लेता है केट को तो इसको मिस्टर हार्ड काशल ऑब्जर्व करता है केट आस्क फॉर द नाइट टू प्रूव दैट ही कैन बी बोथ रिस्पेक्टफुल एंड लाइवली अब केट बोलती है कि एक पूरी शाम उसे चाहिए ये प्रूव करने के लिए कि जो मालो है वो लाइवली एंड रिस्पेक्टफुल है एक्ट फोर फाइंड्स द प्लॉट्स ऑलमोस्ट फॉलिंग अपार्ट और जो एक्ट फोर्थ है वो बिल्कुल अलग होने अलग होना शो करता है न्यूज हैज़ स्प्रेड दैट सर चार्ल्स मालो हार्ड काशल फ्रेंड एंड फादर टू यंग मालो इज ऑन हिज वे विच विल रिवील हेस्टिंग्स आइडेंटिटी एज बिलविड ऑफ कॉन्स्टेंस अब यहाँ पर जो हेस्टिंग की आइडेंटिटी है वो सामने आ जाएगी और कॉन्स्टेंट से वो प्यार करता है ये बात सामने आ जाएगी ऑल्सो फोर्स द क्वेश्चन ऑफ़ वेदर केट एंड मालो आर टू मैरी और यहाँ पर एक क्वेश्चन और है कि केट और मालो जो है क्या वो शादी कर लेंगे हेस्टिंग हैज सेंट द ज्वेल्स इन असकेट टू मालो फॉर सेफ कीपिंग बट मालो कन्फ्यूज हैज़ गिवन देम टू मिसेज हार्ट काशल हुम ही स्टिल बिलीव इज द लैंड लेडी ऑफ द इन अब जो हेस्टिंग है वो पूरे जो ज्वेलरी होती है उसको मालो के पास भेजता है मालो सोचता है कि सेफ कीपिंग के लिए इसे मिसेस हार्ड काशल को दे दिया जाए मिसेस हार्ड काशल को अब भी लैंड लेडी ही समझता है वैन हेस्टिंग लर्नस दिस जब हेस्टिंग को ये बात पता चलती है ही रियलाइजेज हिज प्लान To elope with wealth is over and decides he must convince immediately. वो दे दी है तो सोचता है और कि अब कन्विंस किया जाए कॉन्स्टेंस को कि हम इमिडिएटली इलोप हो जाए मीन वाइल मालोस इम्पोर्ट टूवर्ड्स हार्ड काशल होम ही बिलीव इज़ द लैंड लोड रीच इज इट्स अपेक्स एंड हार्ड काशल किक्स इम आउट ऑफ द हाउस ड्यूरिंग हिज आल्टन मालो बिगेंस टू रियलाइज वॉट इज एक्चुअली हैपनिंग अब इसी टाइम पे साथ साथ में आ, जो स्टोरी चल रही है वो ये भी है कि जो मालो है उसका जो इम्पोर्टिंस था उसका जो रूट बिहेवियर था, था उसके साथ में जो हार्ड काशल थी हार्ड काशल था उसके साथ में काफ़ी उसकी बहस होती है हार्ड काशल उसे किक्स आउट कर देता है हाउस से और उसे फिर पता चलता है मान लो को कि एक्चुअली यहाँ पर क्या हो रहा है ही फाइंड्स गेट हु नाउ प्रिटेंड टू बी अ पुअर रिलेशन इन हार्ड काशल विच वुड मेक अ प्रॉपर मैच एज फॉर एज क्लास बट नॉट अ गुड मैरिज एज फार एज वेल्थ मालो इज स्टार्टिंग टू लव हर बट कैन नॉट परस्यू इट बिकॉज इट वुड बी अनएक्सेप्ट अनएक्सेप्टेबल टू हिज फादर बिकॉज ऑफ हर लैक ऑफ वेल्थ सो ही लिवस हा अब यहाँ पर मान लो जो है वो उसे प्यार करना शुरू कर देता है बट उसे जब ये बात पता चलती है कि अगर लैक ऑफ वेल्थ के साथ में वो उसे मैरी करता है उसे शादी करता है तो उसके फादर जो हैं उनके लिए अनएक्सेप्टेबल हो जाएगा मीन वाइल अ लेटर फ्राम हेस्टिंग राइव्स दैट मिसेज हार्ड काशल इंटरसेप्ट एंड शी रीड्स दैट ही वेट्स फॉर कॉन्स्टेंस इन द गार्डन रेडी टू एलो अब जो हेस्टिंग uh, का जो लेटर है वो मिसेस हार्ड काशल के पास पहुंच जाता है और वो उसको पता चलता है कि जो कॉन्स्टेंस के लिए हेस्टिंग uh, गार्डन में खड़ा है और वो एलोमिन के लिए तैयार हैं एंग्री शी इंसिस्ट दैट शी विल ब्रिंग कॉन्स्टेंस फार अवे एंड मेक्स प्लान फॉर दैट और वो काफी गुस्सा होती है मालो हेस्टिंगस एंड टोनी कॉन्फ्रेंस वन अनदर जो मालो है हेस्टिंग है एंड टोनी तीनों एक दूसरे को कन्फ्रंट करते हैं एंड एंगर ओवर ऑल द डिसीट लीड्स टू अ सेवर आर्गूमेंट और काफ़ी बड़ा उनके बीच में आर्ग्यूमेंट होता है रिजॉल्व टेम्पररी वैन टॉन टोनी प्रॉमिसेज टू सॉल्व द प्रॉब्लम फॉर हेस्टिंग और टोनी जो है वो कहता है हेस्टिंग के लिए कि जो उनके बीच में कन्फ्रंटेशन चल रहा है उसको टोनी इस बात को कहकर सॉल्व कर लेता है कि वह है इसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेगा एक्ट फाइव द ट्रूथ कमिंग टू लाइट एंड एवरी वन हैप्पी और जो एक्ट फाइव है वो उसमें सारे जो ट्रूथ हैं वो सामने आते हैं और सारे खुश हैं सर चॉल्स हैज़ जो सर चॉल्स हैं वो वहाँ पर पहुंच चुके हैं एंड ही एंड हेस्टिंग लाफ टुगेदर ओवर द कन्फ्यूजन यंग मालो वॉज इन और जो मालो को जो कन्फ्यूजन था उस पर काफी वो हंसते हैं मालो अराइव्स टू अपॉलजाइज एंड इन द डिस्कशन ओवर केट क्लेम्स ही बेली टॉक टू केट और मान लो जो है वो वहाँ जाकर वापस आकर हार्ड काशल में आकर फिर अपॉलजाइज करता है एंड माफ़ी मांगता है एंड इन द डिस्कशन ओवर केट क्लेम्स ही बेली टॉक टू केट और केट जो है वो कहती है कि आ, हमने मुश्किल से ही कुछ बात की होगी आज तक हार्ड काशल अक्यूज हिम ऑफ लाइव लाइंग सिंस हार्ड काशल सॉ हिम एम्ब्रेस केट बट मालो नॉट नो दैट इट वॉज़ इन डीड केट और हार्ड काशिल आ, कहता है कि तुमने बिल्कुल झूठ कहा मुझसे ये बात कि हमने आज तक बात भी नहीं की है मैंने तुम्हें केट को एम्ब्रेस करते हुए गले लगाते हुए भी देखा था लेकिन मान लो को उस तब तक ये बात पता ही नहीं होती है कि वो केट है क्योंकि उसने चेहरे पर उसके नहीं देखा होता केट अराइव्स आफ्टर मालो लीव्स द रूम एंड कन्विंस द ओल्डर मैन She will reveal the full truth if they watch an interview between the two from hidden vantage behind us screen. So Kate says that I will interview Karungi and you will see him. Meanwhile, Hastings waits in the garden. Per Tony's instruction, the Tony arrives to tell him that he drove his mother and Constance all over in circles so that they think they are lost. फार फ्रॉम होम वैन इनफेक्ट दे हैव बीन लेफ्ट नियर बाय अब जो हेस्टिंग है वो गार्डन में वेट कर रहा है टोनी ने अपनी जो मदर है और कॉन्स्टेंट है उन्होंने सर्कल में लॉस्ट कर दिया है और जबकि वो उसके घर के पास ही होते हैं ये उसका प्लान होता है मिसेस हार्ड काशिल डिस्ट्रॉट अराइव्स एंड कन्विंस्ड शी मस्ट हाइड फ्रॉम हाईवे मैन हु इज अप्रोचिंग अब हार्ड काशल जो है वो वहाँ पहुँचती है The highwayman proves to be Mr. हार्ड काशल और जो हाईवे मैन है वो एक्चुअल में हार्ड काशल होता है वहाँ पर हार्ड काशल है हु स्केयर्स हर इन इन हर कंफ्यूजन फॉर वायल बट अल्टीमेटली डिस्कवर्स दैट व्हाट इज़ हैपनिंग थोड़ी देर के लिए कंफ्यूजन होता है और uh, जो मिसिस हार्ड है वो थोड़ी देर के लिए कंफ्यूजन में डरती है लेकिन उसे थोड़ी देर बाद पता चल जाता है हेस्टिंग एंड कॉन्स्टेन्स नियरबाय डिसाइड दे विल नॉट एलोप बट राधा अपील टू मिस्टर हार्डकाशल फॉर मर्सी अब हेस्टिंग और कॉन्स्टेन्स जो हैं, वो फिर डिसाइड करते हैं कि हमें एलोप नहीं होना हम मिस्टर हार्डकाशल से मर्सी uh, के लिए पूछेंगे या वी विल अपील फॉर मर्सी बैक एट दी हाउस द इंटरव्यू बिटवीन केट प्लेइंग दी पोअर रिलेशन एंड मालो रिवील्स हिज ट्रूली गुड कैरेक्टर एंड आफ्टर सम डिस्कशन एवरी वन एग्रीज टू मैच और जब ये उन दोनों के बीच में बातें होती हैं और केट और मालो के बीच में बातें होती हैं सभी लोग पीछे से छुप कर देखते हैं तो सभी एग्री हो जाते हैं हेस्टिंग एंड कॉन्स्टेंस आस्क परमिशन टू मैरी एंड सिंस टोनी इज एक्चुअली ऑफ एज देअर फोर कैन ऑफ इज़ ओन वॉल्यूशन डिसाइड नाट टू मैरी कॉन्स्टेंस दर्मिशन इज ग्र ग्रांटेड अब यहाँ पर यह होता है कि जो हेस्टिंग एंड कॉन्स्टेंट है वो अपनी वो भी पर्मिशन मांगते हैं शादी करने के लिए यहाँ पे टॉनी जो है वो मना कर देता है एज की वजह से और जो उसकी जो कॉन्सटेंस की जो पमिशन होती है वो ग्रांट हो जाती है मतलब सब मान जाते हैं ऑल आर हैप्पी एक्सेप्ट फॉर मेजरली मिसेज हार्ट काशल सभी वहाँ पर खुश हैं सिर्फ जो मिसेस uh, हार्ड काशिल हैं वो नहीं है एंड द मिस्टेक ऑफ अ नाइट हैव बीन करेक्टेड और जो मिस्टेक ऑफ अ नाइट होती है वो करेक्ट हो जाती है तो इसीलिए मिस्टेक्स ऑफ अ नाइट इसका पहले नाम था लेकिन बाद में गोल्ड इसमें इसे चेंज कर देते हैं देर आर टू एपीलॉग्स जनरली प्रिंटेड टू प्ले दो इसमें एपिलॉग हमें देखने को मिलते हैं वन ऑफ विच स्केचेज द मैटर फॉर गोल्ड स्मिथ अटैम्प्ट टू ब्रिंग कॉमेडी बैक टू इट्स ट्रेडिशनल रूट्स जिसमें कि गोल्ड स्मिथ अपना एक प्रयास दिखाते हैं कि वो ट्रडिशनल जो कॉमेडी है उसे ट्रेडिशनल रूट तक ले आए हैं एंड द अदर ऑफ विच सजेस्ट टोनी लॉमकिन हैज़ एडवेंचर यर टू बी रियलाइज्ड जो टोनी लॉमकिन है उसका एडवेंचर अभी भी है देखना बाकी है ये दो एपलॉग हमें देखने को मिलते हैं जो थीम है वहाँ पर हमें क्लास जो है वो थीम है इसकी वाइल द प्ले इज़ नॉट एक्सप्लिसिटली अट्रैक्ट ऑन क्लास द थीम इज सेंट्रल टू इट तो जो क्लास है वो हमें देखने को मिलता है कि हमें अलग अलग इसमें आ, लेवल दिखाई देते हैं मनी वन ऑफ द फैक्टर्स दैट कीप्स द प्ले प्रेगमेटिक इवन वैन इट वी आयर्स क्लोज टू कॉन्फिडेंस एंड सेंटिमेंट इज़ अनअवॉइडेबल इम्पॉर्टेंस ऑफ मनी तो यहाँ पर हमें इम्पोर्टेंस ऑफ मनी भी देखने को मिलती है जो रिलेशनशिप है उसको मनी इम्पेक्ट करती है बिहेवियर एंड अपीयरेंस वन ऑफ द एलिमेंट गोल्ड इजमिथ मोस्ट स्क्यूअर्स इन द प्लेसटरिकल मूवमेंट इज द एरिस्टोक्रेटिक एम्फिस ऑन बिहेवियर एज अ गॉज ऑफ कैरेक्टर तो जो बिहेवियर है उसको पूरा फोकस हमें देखने को मिलता है कि जो कॉमेडी है वो बिहेवियर को लेकर ही आगे बढ़ती है मॉडरेशन सोर आउट द प्ले रंस अ कंफ्लिक्ट बिटवीन द रिफाइंड एटीट्यूड ऑफ टाउन एंड द सिंपल बिहेवियर ऑफ द कंट्री तो दोनों चीजें हमें यहाँ पे देखने को मिलती हैं और उनके बीच में हमें कंफ्लिक्ट भी मिलता है जो एटीट्यूड ऑफ टाउन है और सिंपल बिहेवियर ऑफ कंट्री पीपल है विलेज पीपल है द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस थीम इज अंडर स्कोर्ड अ क्रुक्स ऑफ द ओपनिंग डिसएग्रीमेंट बिटवीन हार्ड काशल एंड हिज वाइफ एंड कॉन्ट्रडिक्शन हमें कॉन्ट्रडिक्शन भी देखने को मिलता है मोस्ट कैरेक्टर्स इन द प्ले वॉन्ट अदर्स टू बी सिंपल टू अंडरस्टैंड और

हिज डिज़ायर टू री इंट्रोड्यूस हिज ऑडियंस टू द लाफिंग कॉमेडी दैट इराइव फ्रॉम द लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ कॉमेडी दैट मॉक्स ह्यूमन वॉइस तो ये कॉमेडी का एक हम कह सकते हैं बेसिक चीज़ है कि जो ह्यूमन वॉइस वॉइस है जो उसे हम जो बुराइयाँ होती हैं इंसान के अंदर उनको ही हम मॉक्स करके एक कॉमेडी बनती है डिस एंड ट्रिकरी अब ये हमें देखने को मिलती है मच ऑफ दिस प्ले कॉमेडी कम्स फ्रॉम दी ट्रिकरी प्लेड बाय वेरियस कैरेक्टर और जो अलग अलग कैरेक्टर हैं उनकी डिसीट और ट्रिकरी के से हम कॉमेडी का जो सीन है उसे क्रिएट करते हैं सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस दिस इज द एंड ऑफ दिस सेशन एंड दिस होपली यू गाट ऑल दी idea about this work she stoops to conquer by william golding thank you for watching see you in next session